रहमान रहीम। अभी हम लेक्चर टू पढ़ेंगे। लेक्चर टू में हमारे पास है फाइल मेन्यू। आज हम मेन्यू वाइज इसको डिवाइड करते हैं। लेक्चर वन में आपको मैं मेन्यू फाइल मेन्यू पढ़ाऊंगा, लेक्चर टू में एडिट मेंटेन दो उस पर मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बल्कि तीन लेक्चर दूंगा इसी पे, और टास्क भी दो लेक्चर दूंगा। तकरीबन कोई 7-8 लेक्चर में इसको मैं ख़त्म कराऊंगा। लेकिन फाइल और एडिट ये चीज़ें आसान हैं, तो इसी वजह से मैं उसको दो उसमें वो करूँगा। ये हमारे स्टाफ मेंबर हैं, सजाद साहब हैं इकनॉमिक्स के, सिराज अहमद पराचा अकाउंटेंसी के हैं, हफीज़ुल्लाह साहब हैं इस्लामियात के, सर जी हैं अकाउंटेंट हैं, अयाज साहब हैं, इश्तियाक साहब हैं अकाउंटेंसी के हैं, वहीद हटक मैं हूँ, और तुफेल साहब हैं एम एस सी कंप्यूटर साइंस। ये हमारे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस के स्टाफ का डिटेल था। कुछ और भी टीचर्स हैं, शाह साहब वगैरह। ओके, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा फाइल मेन्यू को। ओपन कंपनी से मुराद यही है, इस पर क्लिक करने से पीछड़ी में जितनी भी कंपनीज़ हैं, अगर 50 हो तो 50 सारी इसी लिस्ट में आ जाएंगी, अगर 60 है तो 60 आ जाएंगे। जिसको भी ओपन करना है उसी पे सिंपली सेलेक्ट करें और ओके। अभी कंपनी ओपन नहीं है क्योंकि इधर नाम नहीं है। इधर देखें, ये नाम आ गया, GCC नंबर 2 नौशहरा। ये कंपनी ओपन है। ओपन कंपनी से मुराद ये है कि जितनी भी कंपनीज पीछड़ी में बनी हुई हैं सबको खोलें, इसमें से किसी जिसको भी आप टारगेटेड कंपनी को ओपन करना चाहते हैं ओपन हो जाएगी कंपनी। प्रीवियस कंपनी रिसेंटली आपके पास जो इतनी भी कंपनीज हैं वो सारा डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 10 कंपनीज ओपन होंगी, कम से कम एक। रिसेंटली जिस 10 कंपनियों में आपने काम किया है वो 10 कंपनीज आपके सामने ओपन हो जाएंगी। न्यू कंपनी ओपन होगी, ओपन स्टार्ट स्क्रीन से आपके सामने कंपनी ओपन होगी, लेकिन आपके सामने स्टार्ट स्क्रीन आ जाएगा। इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं आप। कंपनी ओपन है GCC नौशहरा, लेकिन आप फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो सुनना चाहते हैं कि नेविगेशन थ्रू पीचट्री किस तरह ऐड करेंगे, ये अगर इस तरह का ऑप्शन आ जाए तो सिंपली इस पर क्लिक करें तो आ जाएगा लेक्चर। ये इस चीज़ को क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू पेज सेटअप। प्रिंट्स हम निकालते हैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में जाएं, रिपोर्ट को ओपन करें, किसी भी रिपोर्ट को ओपन करें डबल क्लिक करने से। फिल फाइल मेन्यू में जाएं, प्रिंट पे क्लिक करें, ये अपना प्रिंटर सेलेक्ट करें और ओके करें। इसके बाद पेज सेटअप आपको गिवन है प्रीव्यू, और पेज सेटअप कर सकते हैं। ये पोर्ट्रेट है, अगर आप इस तरह पेज ओपन करना चाहते हैं, प्रिंट निकालना चाहते हैं तो इसको पोर्ट्रेट कहते हैं, तो ओके करें, प्रिंट आउट निकाल लें, तो इस तरह पेज आएगा। बैकअप किसे कहते हैं? कॉपी ऑफ ओरिजिनल फाइल। नॉर्मली हमारे पास ये मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम यही होता है कि हम फुल स्टेट निकालते हैं तो मसला होता है, टाइम भी कंज्यूम होता है, पैसे भी लगते हैं। पीछड़ी में फ़ायदा यही है कि किसी भी वक्त कापी निकालें विदाउट ओरिजिनल फाइल। एक होता है, एक कापी होती है ओरिजिनल फाइल। ये मेरे पास GCC नौशहरा का है सी ड्राइव में, मैं कापी भी निकालना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये सी ड्राइव डिलीट हो या फॉर्मेट हो सिस्टम, तो हमारे पास ये रहे बैकअप। बैकअप नॉर्मली USB में रखते हैं या अलहदा ड्राइव में रखते हैं। ये बैकअप का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन इसमें दो ऑप्शंस भी हैं, रिमाइंड मी व्हेन आई हैव नॉट बैकअप इन वन डेज। नॉर्मली आपने देखा होगा घरों में हम बताते हैं कि इसी टाइम तक मैं उठ जाऊंगा या ये काम कर लूंगा, और अगर नहीं कर सका तो आप मुझे बता दें। इस तरह पीछड़ी को भी मैं बता रहा हूँ, रिमाइंड मी व्हेन आई हैव नॉट बैकअप इन वन डे। ज़्यादा से ज़्यादा 99 डेज दे सकते हैं, कम से कम एक दिन, तभी देखें आप एक दिन में जो है इस बैकअप को डेली 24 घंटों में। कल यही अगर टाइम आएगा, यहीं तक मैं अगर बैकअप मेंटेन ना कर सकूं इसी टाइम तक, जो अभी का जो टाइम है 8:38 हो गए हैं, तो अगर इसी तक मेंटेन नहीं कर सका बैकअप, तो ऑप्शन रिमाइंडर आ जाएगा कि बैकअप मेंटेन कर दूंगा। और ये वाला ऑप्शन है, अगर इसको मैं चेक करूं तो बैकअप जो है फाइल GCC के नाम से सेव होगा, ये देखें GCC नौशहरा। लेकिन अगर इसको अनचेक करूं तो कंपनी नाम आएगा ही नहीं इसमें, बस सिंपल फिगर्स आ जाएंगे। बेहतर यही है कि काफ़ी भी इसी नाम से ही बने। जहाँ पे सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करें, डी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं डी ड्राइव सेलेक्ट करें, जहाँ पे सेव करना चाहते हैं सेलेक्ट करें। मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, सेव करते हैं, सेव पे क्लिक करें और ओके। इतना स्पेस रिक्वायर्ड होगा, कॉपी बन गई। अभी अगर डिलीट भी हो तो कोई टेंशन नहीं, ओरिजिनल फाइल ये कॉपी है। ओरिजिनल फाइल कहाँ है? माई कंप्यूटर में। उसके बाद सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे,
ये सी है। इसके बाद आपके पास प्रोग्राम फाइल है, प्रोग्राम फाइल पे क्लिक करेंगे, आगे जाएं पीच ट्री है, पीच ट्री पे क्लिक करेंगे, इधर सिंपली एक फाइल को सेलेक्ट करें और पी पे क्लिक करें तो पीच ट्री आपके सामने आ जाएगा। पीच ट्री कंपनी फाइल, कंपनी शुरू में इस तरह इधर ही होगा। कौन सी कंपनी थी हमारे पास, GCC नंबर 2 नौशेरा, ये। इसको मैं डिलीट कीबोर्ड से क्लिक करें या राइट क्लिक करें, सिंपल ये राइट क्लिक है, डिलीट पे क्लिक करें और यस कंपनी डिलीट। रिसाइकल बिन से भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। बस लोग सोच कहते हैं कि रिसाइकल बिन में अगर ना पड़ी हुई हो तो रिसाइकल बिन से डिलीट कर दें, और अगर उधर हो तो नहीं आएगी वापस। मैंने रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दी है, आप चेक कर सकते हैं, कोई फाइल है ही नहीं इसमें। मैं वापस लाना चाहता हूँ, कैसे वापस लाऊँगा, रिस्टोर पे क्लिक करूँगा। कैसे पे क्लिक करूँगा, रिस्टोर पे क्लिक करूँगा, सॉरी पीछरी पे कंपनी वो करें। ये मेरा लेक्चर आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, यूट्यूब में आप इधर दे दें www.youtube.com, इधर फिर इधर वही थाटक का नाम दे दें और सर्च पे क्लिक करें तो मेरे लेक्चर्स आ जाएंगे। ऑलरेडी काफ़ी सारे पश्तों में भी लेक्चर हैं, लेकिन अभी उर्दू के बना रहा हूँ तो उर्दू के लेक्चर भी आ जाएंगे। बेहतर यही है कि आप जो लैंग्वेज में आप प्रेफर करें, लेकिन पश्तों के लेक्चर 2 साल पहले के हैं। मैं कंपनी एक बराए नाम एक कंपनी का नाम डेट दे देता हूँ, सब कुछ बराए नाम, क्योंकि मुझे तो टेम्प्रेरी कंपनी है ये, मुझे तो अपनी कंपनी की ज़रूरत है ना, GCC नौशेरा की, तो मैं वो अपलोड करूँगा, सॉरी मैं वो मुझे उसी कंपनी की ज़रूरत है तो मैं वो रिस्टोर करूँगा। तो फाइल पे क्लिक करें, ये रिस्टोर है, ब्राउज डिस्टार्ब पे वो काफ़ी पड़ी थी ना GCC नंबर 2 में, नेक्स्ट 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 फिनिश। लेकिन एक पहले आपको ये बताऊँ, GCC नंबर 2 नौशेरा है ही नहीं आता, अभी जब मैं रिस्टोर करूँगा तो आ जाएगी कंपनी। ओपन नेक्स्ट 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 फैन कर क्लिक करते जाएं और फिनिश तक लेके जाएं। GCC ऊपर देखें ए है और ये GCC आ गया, देखें इधर पहले ए थी, इसके बाद GCC है नंबर 2 नौशेरा। इसके बाद ऑनलाइन बैकअप रिस्टोर, ये नेट के थ्रू होता है, अगर आपके पास ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको डॉलर्स में पे करना पड़ता है, बैकअप के लिए भी पैसे पे करेंगे, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर भी अगर लेना पड़ेगा तो साइन अप नाउ पे क्लिक करें। मेरे पास तो नेट कनेक्टेड है, मैं क्लिक कर देता हूँ, ये Peachtree का अपना वेबसाइट खोल जाएगा, मैंने साइन अप नाउ पे क्लिक किया है ना इधर, जब तक क्लिक हो तो मैं बाकी आगे कराता हूँ। देखें ये आ गया, ये Peachtree का सॉफ्टवेयर वेबसाइट है, लेकिन इधर आपके पास जो है फिर ये प्लान है 2011-2009 वगैरह बैकअप पास फ्री, 2012 परचेजेस, लेकिन 2012 के परचेजेस की कीमत उसके सॉफ्टवेयर की कितनी कीमत होगी, एक मिनट मैं चेक कराता हूँ। ये देखें ये 119.95 पर ईयर अगर बैकअप मेंटेन करते हैं। प्राइसिंग फॉर सेज फ्री है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस हैं बैकअप के, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर 2GB बैकअप मेंटेन कर सकते हैं सेज के, इस तरह सॉफ्टवेयर कैसे लेंगे, एक मिनट साइट होम पे क्लिक करें तो आपके पास होम पेज ओपन होगा Peachtree का। अगर आप ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, ट्रेनिंग वीडियो तो इस पे सपोर्ट एंड ट्रेनिंग पे क्लिक करें तो आपके पास Peachtree का ट्यूटोरियल, जिस तरह के मैं इधर बना रहा हूँ Peachtree वालों ने बनाया होगा, वो कर सकते हैं विजिट। ये देखें 2012 का क्वांटम, वो तो इसकी कीमत कितनी है, मेरा मेन मकसद ही है कि आपको मैं अभी तो मैं नहीं देख पा रहा, लेकिन इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। एंटर टू विन 100 वीज़ा कार्ड गिफ्ट, ये मैसेजेस ऐसे आते रहते हैं, ठीक है कोई आपको वो नहीं देगा।
by PT quantum online. अफोर्डेबल कैसे हमारे, हम गरीबों के लिए तो अफोर्डेबल नहीं है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। 30 डे ट्रायल वर्जन भी ले सकते हैं आप, बस इधर से कीमत आप देख लें, इजीली आपके लिए अवेलेबल होगा, कोई मसला है नहीं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, सेलेक्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से मुराद ये है कि कोई भी फाइल आप पीचट्री से एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेके जाते हैं और एक्सेल का फाइल पीचट्री में लेकर आते हैं। अभी अगर एक्सेल से लेकर आएंगे पीचट्री में, पीचट्री के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो इसके इम्पोर्ट कहेंगे, और अगर एक पीचट्री से एक्सेल में लेके जाते हैं तो एक्सपोर्ट कहेंगे। तो मैं लेके जाता हूँ जनरल लेजर पे क्लिक करता हूँ, बाहर लेके जाता हूँ तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। क्या लेकर जा रहा हूँ, ये चार्ट ऑफ अकाउंट सेलेक्टेड है एक्सपोर्ट, जहाँ पे लेकर जाते हैं ऑप्शन पे सेलेक्ट करें, ये इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बटन कहते हैं। इसमें जो स्टाफ पे लेके जाना चाहता हूँ मैं, इधर चार्ट के नाम से ये है ओपन, ओके, ये आपका ये चार्ट के नाम से ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स अगर ट्रांसफ़र हो गया। इसमें कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में था नहीं, इसकी वजह से ब्लैंक आया है। अभी अगर मैं किसी दूसरी कंपनी को खोलूँ तो दूसरी कंपनी का जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स फेल होगा, बड़ा होगा। ये सैम्पल कंपनी को खोलता हूँ, इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स तैयार है पहले से, ये देखें ये तैयार चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। मैं लेके जाता हूँ इसी को, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, जनरल लेजर चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक्सपोर्ट ऑप्शन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बटन, डेस्कटॉप पे चार्ट के नाम से है लेकिन इसी के ऊपर ओवर राइट हो जाएगा। यस देखें आगे मिनटों में आप पूरा घंटों देखेंगे, ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स है जी, पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। अभी एक्सेल का फाइल यही चार्ट ऑफ अकाउंट्स था पीचट्री में, जो पहली कंपनी थी जो आपके पास थी जी सी सी वाली थी। चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपके पास टाइम ही नहीं है कि बना दें, चलो तैयार लेकर आ जाए। तो अगर ये डिसाइड करते हैं कि तैयार लेकर आ जाएं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर क्लिक करें, जनरल लेजर चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेकर आएंगे तो इम्पोर्ट, बाहर लेके जाएंगे तो एक्सपोर्ट। लेकर आ रहा हूँ, बाकी वही ऑप्शन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बटन, डेस्कटॉप पे था ना वो ये ओपन, ओके, लेकिन मैं अभी यस नहीं करूँगा क्योंकि आपको दिखा दूँ कि इधर चार्ट ऑफ अकाउंट्स है ही नहीं इसमें, ये ब्लैंक है ना, ये आएगा तो फुल हो जाएगा। ओपन, ओके, यस आ गया है, काफ़ी हो गया है, आप चेक कर सकते हैं ये। इसके बाद है डेटा वेरिफिकेशन, दो टेस्ट हैं इसमें, डेटा रिलेबिलिटी है और डेटा एक्सेस। डेटा रिलेबिलिटी में है टेस्ट योर कंपनी डेटा फाइल फॉर एरर्स एंड मैक रिपेयर, एरर्स हैं उसी को रिमूव करना चाहते हैं तो इसको डेटा रिलेबिलिटी पे क्लिक करें। और अगर एबिलिटी टू प्रॉपरली रीड एंड राइट डेटा फाइल्स, अगर प्रॉपरली देखना चाहते हैं कि इसकी रीडिंग हो रही है कि नहीं, तो इसको टेस्ट को करें, एक इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ कर सकते हैं, दोनों को करें। स्टार्ट पे क्लिक करें, सेव, ओके, बैकअप ले लेंगे तो आपके एरर्स देख लेंगे। अभी अगर एरर है तो आ जाएगा, जीरो डेटा एरर्स वर फाउंड एंड रिपेयर्ड, कोई गलती थी ही नहीं। ये टेक्स्ट टेबल है, बाद में पढ़ा दूंगा, कोई है नहीं इसमें वो मसला। एग्जिट पीचट्री क्लोज हो जाएगा।